वेलकम गाइस, आपका अपना यूट्यूब चैनल कैरियर में सबका स्वागत है। जैसा कि हम बात करेंगे मेरी फसल मेरा ब्यौरा का पूरा फॉर्म कैसे भर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट, इस वीडियो में जानकारी आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो गाइस आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मेरी फसल मेरा ब्यौरा। जैसा कि बाजरा का ऑनलाइन पंजीकरण चल रहा है उसकी लास्ट डेट के बारे में बात करेंगे और इसमें कंप्लीट बात करेंगे अपने जो मोबाइल नंबर है उसको भी चेंज करना है तो वो भी कैसे करेंगे। कंप्लीट इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप जैसे फॉर्म चलेगा उसी दौरान मैं आपको बताता जाऊंगा। आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप न करें, पूरी वीडियो देखें। ठीक है, वीडियो को लाइक जरूर से करें। यदि चैनल पर पहली बार है चैनल कैरियर करेंसी को अभी से सब्सक्राइब जरूर से कर ले। ठीक है, अभी तक शेयर नहीं किया तो शेयर जरूर से कर दे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मेरी फसल मेरा ब्यौरा का जो फॉर्म चल रहा है बाजरा के लिए, यानी बाजरा की फसल का ऑनलाइन चल रहा है, तिलहन का भी, मक्का का भी, काफी सारी और भी फसलें हैं जो भी हैं, भिंडी ज्वार बाजरा का हो गया, इसी तरह हम ऑनलाइन पंजीकरण का जो चल रहा है। ठीक है, वो इस तरह के पूरी वीडियो हम जानकारी देखेंगे, हिंदी में देखेंगे। ठीक है, काफी लोग तो वैसे शॉर्टकट में बताते हैं, मैं आपको कंप्लीट वीडियो स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। ठीक है, अब यदि पहली बार विजिट कर रहे हैं साइट पे तो वो भी कैसे फॉर्म भरना है, पहली बार फॉर्म भरेंगे तो यदि आपका मोबाइल नंबर मिस हो गया गुम हो गया तो वो भी क्या करेंगे उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप फॉर्म में। ठीक है, और एक और बात, यदि आपने पहले फॉर्म भर चुके हैं जैसे कि पिछले साल आपने सरसों के लिए ऑनलाइन करवाया था, गेहूं के लिए ऑनलाइन करवाया था, किसी भी फसल के लिए आपने ऑनलाइन करवा रखा है तो उसके लिए भी आपको कैसे फॉर्म भरना है वो भी इस वीडियो में बताऊंगा आपको। आपको खसरा नंबर मोरबा नंबर कहाँ से फिल करना है वो भी इस वीडियो में कंप्लीट आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, और अब मैं आपको आपके अपने सिस्टम पीसी लैपटॉप से अप्लाई करके फॉर्म में बताऊंगा उस पर। यदि आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो जरूर से लाइक कर दे, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से कर ले, बेल जो लाल वाला बटन है उसको अभी सब्सक्राइब जरूर से दबा ले। ठीक है, और तो गाइस जब हम पहुंच गए अपने कंप्यूटर के डिस्प्ले के ऊपर, जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं गूगल के इन्फॉर्मेशन, आपको यहां पर टाइप करना होगा मेरी फसल। इस तरह से यहां पर टाइप कर लेते हैं मेरी फसल मेरा ब्यौरा, ठीक है, बी वाई ओ आर ए, और फिर हम यहां पर सर्च कर लेंगे। जैसे सर्च करेंगे आपको फर्स्ट वाले ऑप्शन देखने को मिल जाता है यहाँ पर। ठीक है, ये जो लाइन है ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं, किसान पंजीकरण बैंक विवरण भी बदल सकते हैं, समृद्ध किसान हमारी पहचान ये भी कर सकते हैं, किसी भी एक को चूज कर सकते हैं। यदि हम फर्स्ट वाली ओपन करेंगे तो ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाती है और इस तरह का आपके सामने इंटरफेस देखने को मिल जाता है। ये साइट आपके सामने लाइव चला रहा हूँ, आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है मेरी फसल मेरा ब्यौरा, यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से। ठीक है, आपको क्या करना होगा यहाँ पर आपको दो ऑप्शन देखने को मिलेंगे, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट वाला किसान पंजीकरण के लिए, सेकंड है अपने अधिकारी अनुभाग को ओपन करने के लिए। तो गाइज हम पहले वाले ऑप्शन को यहाँ पर ओपन कर लेंगे डबल टैग करने के बाद में। ठीक है, जैसे हम डबल टिक करेंगे उसके बाद में ओपन हो जाएगी आपकी साइट। तो गाइज अब यहाँ पर ओपन हो गई है, आप इस तरह की साइट आपको देखने को मिल जाती है, यहाँ पर देख सकते हैं मेरी फसल मेरा ब्यौरा के लिए। ठीक है, यदि आप यहाँ पर देखेंगे किसान पंजीकरण, यानी फर्स्ट टाइम भी करेंगे तो यहीं से करना होगा और सेकंड टाइम भी करेंगे तो यहीं से कर सकते हैं। यदि आपने बाजरा फसल का किसी भी फसल का आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया, पंजीकरण कर लिया है तो यहाँ से अपना प्रिंट आउट डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए नई वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा, वो भी आप देख सकते हैं, इससे पहले मैंने अपलोड की थी वो भी वीडियो देख सकते हैं आप। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। अब नेक्स्ट में हम बात करेंगे यहाँ पर, यदि आपने बैंक खाता नंबर गलत भर दिया है तो यहाँ पर बैंक विवरण भी बदल सकते हैं। ठीक है, ये यहाँ तक ही हमारी बात थी। अब नेक्स्ट में हम यहाँ पर बात करेंगे किसान पंजीकरण वाले ऑप्शन पे, यहाँ पे क्लिक कर देंगे। जैसे क्लिक करेंगे आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाता है, किसान लॉगिन फॉर्म हरियाणा। ठीक है, आपको यहाँ पर फर्स्ट टाइम में यहाँ पर क्या करना होगा, अपने मोबाइल नंबर यहाँ पर टाइप करना होगा, उसके बाद में ये जो कैप्चा देखने को मिल रहा है यहाँ पर फिल कर देंगे, उसके बाद में लॉगिन करेंगे, उसके बाद में आपके पास एक ओटीपी आ जाएगा, जैसा कि मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो गाइज मैंने अपने मोबाइल नंबर फिल कर दिया, उसके बाद में यहाँ पर लॉगिन कर देता हूँ। जैसे लॉगिन किया यहाँ पर देखने को मिल जाता है, हिडन हो जाता है ऑटोमेटिकली, यहाँ पर ओटीपी भरें, यहाँ पर ऑप्शन आ गया है, ओटीपी हमारा ऊपर आ गया, देख सकते हैं 2768 यहाँ पर हम फिल कर देंगे 2768। तो गाइज मैंने ओटीपी फिल कर दिया, उसके बाद में ओटीपी सत्यापित करें यहाँ पर मैं कर देता हूँ। ठीक है, ये करने के बाद में यहाँ पर आपको विवरण फिल किया हुआ देखने को मिल जाएगा। तो गाइस जैसा कि मैंने जो डिटेल पहले फिल की थी, यानी पिछली बार
पिछले साल में इन्हें जो सरसों के लिए भी अप्लाई किया था, बाजरे के लिए, जिसके लिए भी अप्लाई किया था, वो बाय डाटा यहाँ पर ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। जैसा कि मैंने कुछ डिटेल छिपा दिया है, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं आपने जो अकाउंट नंबर फिल किया था वो भी देखने को मिल जाता है आपका। और ठीक है, और यहाँ पर फिर क्या करेंगे, यहाँ पर टिक कर देंगे, जारी कर देंगे। तो गाइज ये तो था आपका पहले से रजिस्ट्रेशन के बारे में। उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, यदि आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, पहली बार अपना फॉर्म फिल कर रहे हैं, तो उसके लिए भी मैं आपको अभी बता देता हूं, इसको हम लॉग आउट कर देते हैं। मैं अपने जो सेकंड जो मोबाइल नंबर है उससे यहाँ पर फिल करूँगा, ठीक है, आपको यहाँ पर फिल करके दिखाऊँगा। तो गाइज़ यहाँ पर ध्यान रखिए, आप यदि पहले ओपन कर चुके हैं, लॉगिन कर चुके हैं, तो ये जो कैप्चा है इसको चेंज कर लें यहाँ पर, ठीक है। न्यू इमेज का कैप्चा कर दिया मैंने। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, अपने मोबाइल नंबर फिल कर दूँगा, उसके बाद में कैप्चा फिर लॉगिन के लिए मैं अपडेट कर देता हूँ यहाँ पर। तो गाइस जैसा कि मैंने फिल कर दिया, अब इसके बाद में लॉगिन करूँगा, जैसे यहाँ पर करूँगा तो मोबाइल पे ओटीपी चला जाएगा, गया ओटीपी, यहाँ पर भी देख सकते हैं तीसरा ओटीपी आ गया मेरे पास, ठीक है। तो गाइस यहाँ पर क्या करना होगा, हमें ओटीपी फिल कर लेना होगा, ये जो ओटीपी आपको देखने को मिल रहा है ऊपर मैसेज में, ठीक है। मैं आपको इसको थोड़ा साइज जूम करके दिखाता हूँ, ये ओटीपी आपका 88 46 52, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं 88 46 52, ये मैं यहाँ पर फिर फिक्स कर देता हूँ, मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, ओटीपी सत्यापित कर देंगे। ये करने के बाद में आपको ये इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाता है कि आप अपनी परिवार पहचान पत्र आईडी जानते हैं, यदि जानते हैं तो हाँ करें, नहीं जानते तो नहीं करें, ठीक है। ये ऑप्शन आपको इस तरह का देखने को मिल जाता है, ठीक है। यदि आप हाँ करेंगे तो आपको अपनी जो फैमिली आईडी है वो यहाँ पर फिल करेंगे। फिल करने के बाद में आपका जो फैमिली आईडी में जो मोबाइल नंबर दे रखा है उस पर ओटीपी भी जाएगा, फिर उसके बाद में जो भी चूज करेंगे उस तरह से। मैं आपको एक छोटा सा डेमो दिखा देता हूँ, जैसे ठीक है मेरी फैमिली आईडी फिल करके मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। यहाँ पर अपनी फैमिली आईडी फिल करूँगा, उसके बाद में जारी रखेंगे, उसके बाद में ऑटोमेटिकली जो मेरे परिवार के सदस्य हैं इसके लिस्ट नीचे ऑटोमेटिकली आपको दिखा देगा, जो भी मेंबर हैं उन सभी की लिस्ट यहाँ पर नीचे आपको देखने को मिल जाएगी। जिस भी आप मेंबर से एंटर मेल लॉगिन करना चाहेंगे, जिस मेंबर से अपना फसल का विवरण भरना चाहेंगे, उसी मेंबर के सामने जो है सेलेक्ट का ऑप्शन करेंगे, फिर हम इसे फिल करेंगे। मैं वो भी आपको लाइव प्रूफ के साथ दिखा रहा हूँ, यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो गाइज मैं अपनी फैमिली आईडी नहीं दिखा सकता आपको, तो मैं अपनी फैमिली आईडी फिल करके जारी रखे मेरे सदस्य जो है परिवार के उनके नाम जरूर मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर देख भी सकते हैं। तो गाइज मैंने अपने जो फैमिली आईडी है वो फिल कर दी है, ठीक है। अब मैं जैसे आपको यहाँ पर इस तरह से इंटरफेस पर करके दिखाऊंगा, अपने परिवार के जो सदस्य हैं उन सभी के यहाँ पर आपको नाम देखने को मिल जाता है, ठीक है। उनमें सामने यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, ये आपको देखने के बाद में इस तरह का ऑप्शन देखने मिल जाता है, ये वाला जो ऑप्शन टिक का ऑप्शन आ रहा है, ये यहाँ पर टिक देख सकते हैं, इन पे से आपको एक क्लिक करना होगा, ठीक है। मान लो मैं अपने अपने नाम पे क्लिक करूँगा, उसके बाद में करने के बाद में यहाँ पर क्या ऑप्शन देखने मिलेगा आपको, जारी रखें, फिर हम जारी रख देंगे। जारी रखने के बाद में आपके जो फैमिली आईडी में जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उसी पे ओटीपी जाएगा, ओटीपी 4 डिजिट का होगा, ठीक है। वो ओटीपी आप फिल करेंगे, उसके बाद में आपका ऑटोमेटिकली उसी साइट पर पहुँच जाएगा, जैसे मैंने फर्स्ट में ओपन किया था, वो मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ, ठीक है। उसके बाद में क्या क्या करना होगा मैं वो आपको फिर से दिखा रहा हूँ, ठीक है, देख ले, ठीक है। तो गाइज मेरा पहले से रजिस्टर्ड है, ठीक है। एक और बात मैं आपको बताऊं, यदि आप अपनी फसल का पंजीकरण कर रहे हैं, ठीक है, आपने मान लो कि अपने नाम से फिल कर लिया, मान लो मेरे नाम पूरा नाम सुरेश कुमार है, मैंने पहले फिल किया था, ठीक है। मान लो जो मेरा मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है मेरी फसल मेरा ब्यौरा से, मान लो वो जो मेरा मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है वो मोबाइल नंबर मेरा मिस हो गया, गुम हो गया, किसी कारण मैंने सिम मिले दोबारा से इशू नहीं करवाई, ठीक है, तो मैं क्या करूँ उसके लिए। तो गाइज मैं आपको इसमें एक बात बता देता हूँ, उसमें अपने जो मोबाइल नंबर नए मोबाइल नंबर हैं वो भी आप कर सकते हैं, नए मोबाइल नंबर से इस कैंडिडेट के नाम से फसल का विवरण नहीं भर पाएंगे, क्योंकि मैंने इस कैंडिडेट के नाम से मेरे नाम से पहले फिल कर चुका हूं। तो गाइज़ मेरा दूसरा सदस्य है उसके नाम से मैं फिल कर सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको फसल बेचने में, ठीक है, वो बिल्कुल भी कोई इश्यू नहीं होगा आपका। अपने परिवार के फैमिली आई डी में से किसी के भी नाम से अपनी फसल का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, बिल्कुल भी कोई इशू नहीं होगा आपका, ये डिपार्टमेंट का मानना है। तो गाइज़ मैंने डिपार्टमेंट से टोल फ्री नंबर पर भी बात की थी, ठीक है। तो आपने जो सदस्य है फैमिली आईडी में परिवार में, यदि आप मान लो आप ये फिर एक क्वेश्चन उठाओगे उस पर कि अपने जो नकल है जमाबंदी है उसमें आपके कोई भी परिवार का सदस्य मान लो आपके नाम से है और आपका सदस्य कोई भी नहीं है, उसके अलावा जैसे मतलब आपका
मिसीज़ या फिर बच्चे जो भी हैं आपके मम्मी पापा कोई भी नहीं ऐड है तो आप भी कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी अप्लाई कर सकते हैं, उसके लिए अपना पंजीकरण भी कर सकते हैं, अपने मोबाइल नंबर गुम हो गया तो ठीक है। उसकी भी मैंने वीडियो बनाई थी पहले और वो भी वीडियो मैं आपको फिर से अपलोड इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा, वहाँ से वीडियो आप चेक कर सकते हैं कम्प्लीट, कोई इश्यू नहीं होगा आप फिल करने के लिए। तो गाइज ये वीडियो लॉन्ग हो सकती है, यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो जरूर से लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। तो गाइज अब मैं आपको वीडियो बिल्कुल लॉन्ग नहीं करते हुए अब वीडियो की जो मेन मुद्दा है उसी पे हम चलते हैं। तो गाइज हम यहाँ से पीछे चले जाएंगे वापस, ठीक है, मैं पीछे चला गया हूँ यहाँ से, ठीक से यहाँ से दोबारा से री एंटर करके यानी अपने जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है वो नंबर यहाँ पे डाल के फिर से मैं ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। तो गाइज नए के लिए मैंने ओपन करके आपको बताया है, नए रजिस्ट्रेशन के लिए भी और सेकंड के लिए भी मैंने आपको बता दिया है। तो गाइज मैं यहाँ से ओपन कर लेता हूँ उसी होम पेज पे। तो गाइज हम यहाँ पर फिर से पहुँच गए अपने, ठीक है। यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर जो डिटेल आपकी ऑटोमेटिकली इतनी तो फिल की हुई ऑटोमेटिकली आ जाती है। उसके बाद में नए के लिए मैंने आपको बताऊँ यहाँ पर यदि आप नए रजिस्ट्रेशन कैंडिडेट हैं तो यहाँ पर आपको बैंक अकाउंट आपका नंबर नहीं देखने को मिलेगा। एक ये जो ऑप्शन है यहाँ पर यस और नो का, ठीक है, आपका ट्यूबवेल कनेक्शन है तो यस करें वरना नो करें, ठीक है। ये करने के बाद में आपको ये जो टिक है ये देखने को मिल जाएगा, ये टिक पर हम क्लिक कर देंगे, उसके बाद में जारी रखें हम फिर यहाँ से जारी रख देते हैं, ये टिक करने के बाद में जारी रख देंगे, ठीक है। आपकी इस जानकारी को संशोधित किया गया है, ठीक है, यहाँ पर हम क्लोज कर देते हैं। तो गाइस जैसे कि हम इसी टॉपिक पे पहुँच जाते हैं उसके बाद में यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी एक लाइन, यहाँ पर देख सकते हैं, अच्छे से चेक कर सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। 15 एकड़ से अधिक भूमि में फसल विवरण भरने पर फसल का सत्यापन अलग से आपको करवाया जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखें। 15 एकड़ से अधिक करेंगे तो आपको अलग से सत्यापन करवाना होगा। अब नेक्स्ट में हम बात करेंगे अपने ज़िला, आपका ज़िला कौन सा पड़ता है उसी ज़िला को हम यहाँ से चूज कर लेंगे। आपके जो हरियाणा के ज़िला हैं टोटल डिस्ट्रिक्ट है उसी डिस्ट्रिक्ट यानी टोटल डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ टोटल डिस्ट्रिक्ट, देख लिया आपने यहाँ पर मिल गई हैं। तो गाइज मेरी डिस्ट्रिक्ट महेंद्रगढ़ पड़ती है तो मैं यहाँ पर फिल कर देता हूँ। उसके बाद में आपकी जो तहसील है वो तहसील भी यहाँ से चूज कर लेंगे। उसके बाद में आपका जो गाँव है वो चूज कर लेंगे। उसके बाद में क्या आएगा यहाँ पर देख सकते हैं, जमामंदी मालिक के नाम से निकालनी है या फिर मुरबा नंबर खसरा नंबर से निकालनी है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे क्या करेंगे। तो गाइज हम यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं आपको जमामंदी में मालिक का नाम से फिल कर सकते हैं या फिर मुरबा नंबर से खसरा नंबर से भी आप चेक कर सकते हैं। तो गाइज हम क्या करेंगे, यहाँ पर मुरबा संख्या नंबर है हमारे पास तो वो इस पर हम टिक कर देंगे। ये करने के बाद में आपके सामने एक ऑटोमेटिकली एक नया कॉलम यहाँ पर ओपन हो जाता है यहाँ पर, ठीक है गाइज यहाँ पर देख सकते हैं ये आपको यहाँ पर मुरबा की जो सीरियल नंबर है वो यहाँ पर इस तरह से देखने को मिल जाएंगे टोटल, ठीक है, ये देखने को मिल रहे हैं। इनमें से आपको एक ही सेलेक्ट करना है, कौन सा करना है वो कैसे करना है वो भी मैं आपको, एक मेरे पास कॉपी है, ठीक है, जमामंदी नकल की वो मैं आपको एक कॉपी दिखा रहा हूँ यहीं पर, ठीक है, वो देख सकते हैं, इसमें से सेलेक्ट कर लेंगे। तो गाइज आप किस तरह की नकल जमामंदी फर्द जिसको आप बोल सकते हैं ज़मीन का बायोडाटा वो इसी तरह की पेज पे मिलता है आपको, ये फिर भी आपको नहीं मिले उपलब्ध नहीं हो तो अपने जो नियर बाय पटवारी है आपका नज़दीक का उस पटवारी से भी आप प्राप्त कर सकते हैं या फिर अपनी ऑफिशियल वेबसाइट है jamamandi.nic.in पे वहाँ पे भी अपना डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, ये मैंने आपको साइट पे बताई है। तो गाइज आपको यहाँ पर क्या करना होगा वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। आपका जो बायोडाटा है वो यहाँ पर देखने को मिल जाता है, आपके जो परिवार सदस्य हैं उनके नाम यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। तो गाइज हम अपने फॉर्म में क्या ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो बायोडाटा है वो इसको फिल करेंगे। तो गाइज आपका जो कॉलम नंबर 7 है यहाँ पर देख सकते हैं, इस कॉलम नंबर 7 में, ठीक है, आपको जो किला नंबर बोल सकते हैं, खसरा नंबर, मुरबा नंबर, वो क्या होता है यहाँ पर, जैसे हमारा 18 नंबर है, फिर 24 नंबर है, इसी तरह नंबर 55 नंबर भी है। तो गाइज ये फिल करने के बाद में फिर हमें जो ये ऑप्शन आ रहे हैं ये फिल कर लेंगे, ठीक है। तो गाइज जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं हमें 18:20:1 फिल करना है, तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा 18 नंबर, यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे जो कॉलम है, यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे सेलेक्ट करेंगे उसके बाद में आपको यहाँ पर इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो गाइज यहाँ पर देख सकते हैं आपको, ठीक है, ये यहाँ से देख सकते हैं जो आपको बटे का नंबर है वो कैसे सर्च करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आपने 18 नंबर फिल किया वो यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, मुरबा संख्या नंबर, ठीक है, खसरा नंबर भी यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, ठीक है। अभी कितना बटे नंबर था वो आपको ध्यान रखना है, जैसे कि आपको इस साइड में लेफ्ट कॉर्नर में यहाँ पर देखने को मिल जाएगा कॉर्नर में, ठीक है, डिस्प्ले देखने को मिल रही है आपको।
तो गाइज इसको स्क्रॉल बार ऊपर करने के बाद में यहाँ पर देख सकते हैं 20:1 लेना है हमें, ठीक है। यहाँ पर इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाते हैं आपको, ठीक है। यहाँ पर नहीं मिल रहा, यहाँ पर मिल गया हमें, ठीक है। तो गाइज ये हमारा कॉलम है, इसे हम सेलेक्ट करेंगे यहाँ से, ठीक है। ये हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, जैसे सेलेक्ट करेंगे उसके बाद में यहाँ से इस तरह से स्क्रॉल बार ऊपर कर लेना। करने के बाद में यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा फसल भरें, ठीक है। हम जैसे हम यहाँ पर टिक करेंगे फसल भरें के ऑप्शन पे, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी खरीफ फसल, यहाँ पर 2022 का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं उसके बाद में आपको क्या करना होगा यहाँ पर फसल चुनने के बारे में, ठीक है। आपको यहाँ पर फसल देखने को मिल जाएगी मक्का, बाजरा, अरबी, रुई, ठीक है, करेला, लौकी, बैंगन, फूलगोभी, चिक्कू, कद्दू, अदरक, मूँगफली, ग्वार, ज्वार, पत्तेदार सब्जियां, पपीता, अरहर, हल्दी, गाजर, तिल, आंवला, भिंडी, प्याज, टमाटर, तोरी, टिंडा, खीरा, सेम, इस तरह की काफ़ी सारी आपको फसल यहां पर देखने को मिल जाएंगी। इस तरह से स्क्रॉल बार ऊपर करने के बाद में इस तरह से अपनी जो भी फसल आपको वो कर सकते हैं। तो गाइज हमें तो सिर्फ यहाँ पर देखना है कि बाजरा की फसल का ऑनलाइन करना है, तो बाजरा का पंजीकरण करेंगे तो यहाँ पर जो फर्स्ट से सेकंड नंबर यानी मक्का के बाद में यहाँ पर है बाजरा का ऑप्शन, इस पे टिक कर देंगे जो कॉलम है इसी पे, फिर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा ऑटोमेटिकली फिल हो गया है, हो गया। उसके बाद में फसल की वेराइटी यहाँ पर देख सकते हैं फसल की वेराइटी, तो गाइज आपको यहाँ पर फसल की वेराइटी चूज़ कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर आपको फसल की वेराइटी काफ़ी सारी वेराइटी मिल जाएंगी, ठीक है। आपने कौन सी फसल चूज की है उसी को सेलेक्ट कर सकते हैं, और फिर भी नहीं करना चाहें तो ये जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है ये इसको भी सेलेक्ट करके भी अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं, नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद में समय चुने यानी यहाँ पर आपको समय का ऑप्शन देखने को मिलेगा जुलाई, ठीक है। इस वाले कॉलम पे यहाँ पर सेलेक्ट कर देंगे, जुलाई का ऑप्शन फिल हो जाएगा। उसके बाद में जो आपका जो यहाँ पर एकड़ आपने जो चूज़ किया है मुरबा नंबर, खसरा नंबर, कितना नंबर था वो यहाँ पर देख सकते हैं। वो यहाँ पर देखने के बाद में टोटल जो ज़मीन का एरिया है वो कितना है, 4 करनाल 19 मरला, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं यदि आपको पूरा क्षेत्र करना है या इसमें से कुछ हिस्सा कम करना है तो वो यहाँ से हम कर सकते हैं। तो गाइज मुझे तो पूरा हिस्सा करना है तो मैं यहाँ पर पूरा क्षेत्र पे क्लिक कर दूंगा। उसके बाद में आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा काश्तकार श्रेणी कि आपकी श्रेणी कैसी है, यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे आपको तीन ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, मालिक खुद काश्त है या रिकॉर्ड में काश्तकार है या अन्य काश्तकार है, ठीक है। तो गाइज आप ठेका बटाई पर लेते हैं तो अन्य काश्तकार करें, वरना मालिक खुद काश्त हैं तो इस पर क्लिक करें, रिकॉर्ड काश्तकार के अनुसार हैं तो सेकंड वाला ऑप्शन पे क्लिक करें। तो गाइज मुझे तो मालिक खुदकास्त में है तो ये वाले फर्स्ट में ऑप्शन चूज कर लेता हूँ। ये चूज करने के बाद में जो अगला ऑप्शन होगा वो यहाँ पर देखने को मिल जाएगा आपको ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो ये गाइज मालिक का नाम यहाँ पर दिखा देगा ऑटोमेटिकली, जो भी कैंडिडेट वो यहाँ पर नाम देख सकते हैं। उसमें से आपको यहाँ पर इस तरह से सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद में फिर क्या करेंगे यहाँ पर हम ऐड कर देंगे, ठीक है। तो गाइज मैं यहाँ से ऐड कर देता हूँ, तो गाइज मैंने ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद में क्या करेंगे यहाँ पर, तो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर दर्ज करें, तो गाइज मैं यहाँ से दर्ज कर देता हूँ, ठीक है। अब ये दर्ज हो गया ओके आपके सामने, ये इस तरह का ऑप्शन भी आएगा, आप कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ से कर सकते हैं क्लोज। ये क्लोज कर दिया मैंने, फिर आप यार यहाँ पे कहोगे यहाँ पर मैंने चूज़ किया था वो ऑप्शन नहीं है, यहाँ पर भूमि विवरण मैंने जोड़ा है वो हो गया या नहीं हुआ, यहाँ पर ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा भरा गया भूमि विवरण, यहाँ से अपना चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से मैं आपको चेक करके दिखा देता हूँ। तो गाइज हमारा जो भूमि का विवरण है वो यहाँ देख सकते हैं, भरा गया भूमि विवरण ये हमारा फिल किया हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। ये देखने के बाद में क्या करेंगे यहाँ पर जारी रखें, यहाँ पर हम जारी रख देंगे। उसके बाद में आपकी जो भी ज़मीन है वो यहाँ पर टोटल आपका जोड़ आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, यानी टोटल काउंटिंग आ जाएगी यहाँ पर, ठीक है। आप क्या करेंगे आपको यहाँ पर जोड़ें अपडेट, यानी आपको मंडी आर्थिक का जिला चूज करना है, जो आपका नाम है मंडी का वो नाम चूज करना है, फिर आर्थिक का नाम चूज करना है, यहाँ से हम जाएंगे, फिर उसके बाद में जिला चूज करेंगे। जैसे आपका जो भी जिला है वो यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। जिला चूज करने के बाद में यहाँ पर इस तरह के आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, आपका जो भी लोकेशन है वो सिटी का नाम यहाँ पर चूज़ कर लेंगे। उसके बाद में क्या करेंगे यहाँ पर अपने आरती का नाम फिल कर देंगे, आपका जो भी आरती है उसकी आरती का नाम फिल कर सकते हैं। इस तरह से मान लो आपका कोई भी एक आरती है उसी को यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेते हैं, काफ़ी सारी आरती दिखा रखे हैं यहाँ पर, ठीक है। उसमें से यहाँ पर जैसे कि मान लो किसी भी आरती को मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद में क्या करूँगा यहाँ पर सबमिट कर देता हूँ। सबमिट करने के बाद में यहाँ पर ऑप्शन है लास्ट में आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा जारी रखें, फिर हम यहाँ पर जारी रख देंगे तो आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। गाइज यहाँ पर मैं सबमिट कर देता हूँ, ठीक है।
तो गाइस जैसे मैंने सबमिट यानी जारी कर दिया, जारी करने के बाद में आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाता है। धन्यवाद, आप द्वारा फॉर्म वो यही फसल की जानकारी सफलतापूर्वक दर्ज कर ली गई है, आपकी पंजीकरण संख्या नंबर ये है। ठीक है, तो गाइस यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, प्रिंट भी निकाल सकते हैं। अब इसका प्रिंट कैसे निकालना होगा मैं वो अभी आपको बता देता हूँ यहीं पर। तो गाइज अब हम इसके होम पेज पर आ गए हैं यहाँ पर। ठीक है, अब हमें क्या करना होगा, यहाँ पर फिर से हम क्लिक करेंगे किसान वाले पोर्टल पे। ठीक है, अब हम यहाँ पर पहुँच गए हैं किसान पंजीकरण वाले ऑप्शन पे। यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा किसान प्रिंट हरियाणा, यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे। उसके बाद में आपको यहाँ पर फसल आपको चूज कर लेनी होगी, आपकी फसल कौन सी है, खरीफ है, रबी है, जायद, जो भी है खरीफ की फसल है, तो यहाँ पर देखेंगे। उसके बाद में यहाँ पर आपको नाम फिल करना होगा अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखें। उसके बाद में आपने जो मोबाइल नंबर दिया तो वो मोबाइल नंबर और आपका बैंक खाता नंबर यहाँ पर फिल कर देंगे। उसके बाद में प्रिंट आउट यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। तो गाइज मैंने यहाँ पर प्रिंट आउट भी डाउनलोड कर लिया है, वो फिल करने के बाद में इसके बाद में यहाँ पर इससे आप अपना डाटा चेक कर सकते हैं, आपने जो खाता नंबर फिल किया वो भी चेक कर सकते हैं, यहाँ पर आपने जो फसल की विवरण फिल किया है वो यहाँ पर अपना देख सकते हैं। ठीक है, फिल हो गया नहीं हुआ ये भी देख सकते हैं। उसके बाद में आपकी मंडी है वो भी चेक कर सकते हैं, यहाँ पर इस तरह से आपको देखने को मिल जाएंगी। तो गाइज आपको वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर से बताएँ। ठीक है, और इसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा, वहाँ से अपना डायरेक्ट अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और डायरेक्ट अपना प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं इसी तरह से। फिर भी आपको कोई कमेंट प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट करके उसे पूछ सकते हैं। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कैरेकर एनसीज में पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर से कर लें। ठीक है, और मैंने नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय जवान, जय किसान।